हैं, प्रियंका गांधी की ओर से आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। उन्नति विधान इसका नाम दिया गया है। सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, कांग्रेस भवन से ये तस्वीर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप अजय कुमार लल्लू को भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की कमान जिनके हाथों में है, उन्नति विधान नाम से ये जन घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से इस वक्त जारी किया जा रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन्नति विधान नाम से इस घोषणा पत्र को कांग्रेस की ओर से लॉन्च किया गया। इससे पहले कांग्रेस ने दो घोषणा पत्र और लॉन्च कर चुके हैं, एक महिलाओं के लिए, एक युवाओं के लिए, और अब एक और तीन घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से इस वक्त विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए हैं। पूरी कांग्रेस की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में प्रियंका गांधी की ओर से इस घोषणा पत्र को जारी किया गया है। कांग्रेस का उन्नति विधान में कई खास बातें हैं, जिसमें हर तबके को ध्यान में रखा गया है। किसानों को लेकर भी इसमें कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया है, क्योंकि इससे पहले दो वर्गों को साधा गया था कांग्रेस की तरफ से। इससे पहले भर्ती विधान करके घोषणा पत्र जारी किया गया था, और अब उन्नति विधान करके इस घोषणा पत्र को जारी किया गया। खास बात यह है कि कई बड़े पैनल्स की तरफ से इस घोषणा पत्र को बनाया गया है, जिसमें हर बात जो सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा, उसके बाद महंगाई का मुद्दा, इन दोनों को निपटाने के लिए, इनको कैसे हम, इन समस्याओं को किस तरह से हम सुलझाएं, उसके लिए हमने बहुत चर्चा की। और हमने काफ़ी इस विधान में भी और जो भर्ती विधान है, शक्ति विधान है, उसमें भी हमने इसके बारे में अपनी घोषणाएं की हैं। तो मैं कुछ मुख्य बिंदु इस घोषणा पत्र के मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी प्रतिज्ञाएं थी, जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी है, लेकिन एक बार दोहराना चाहती हूँ मैं, कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज़्यादा आर्थिक मार पड़ी, उन परिवारों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सकें। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान कुछ दिनों पहले बताया था, उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे, और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे, या और रोजगार हम माफ करिए पद भरेंगे नहीं 8 लाख हम रोजगार और पैदा करवाएंगे। इसके साथ साथ हमने पहले भी कहा है कि 40% रोजगार पहले के जो आरक्षण हैं उनके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे। अगर कोई भी बीमारी हो तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त मिलेगा। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाएं। इसके मुख्य बिंदु हमारे उन्नति विधान में हैं, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जिन को आवारा पशुओं के नुकसान को झेलना पड़ा है, उन्हें 3,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, और एक गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी, जिसके काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक एलिमेंट ये है कि 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और फिर उस गोबर को वर्मी कॉम्पोस्टिंग में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे बहुत सुविधा होती है। छोटे और मझोले उद्योगों के लिए
देखिए, हम सबने देखा है, आपने हाल ही में बागपत में एक छोटे व्यापारी की हालत देखी और हम सब ने वो बहुत ही दुखद घटना, एक तो फेसबुक पे लाइव हुई और हमें पता चला कि उनकी पत्नी की मृत्यु भी हुई है। बहुत ही ज़्यादा दुखद ये घटना हुई, लेकिन ये हम पूरे प्रदेश भर में देख रहे हैं। चाहे मैं नोएडा में गई प्रचार करने के लिए, चाहे मैं बुंदेलखंड गई, चाहे झांसी में थी, चाहे यहाँ पे लखनऊ में हो, चाहे जहाँ भी मैं जा रही हूँ, ये देखने को मिल रहा है कि जो छोटे व्यापारी हैं और मझोले व्यापारी हैं वो एकदम इतने त्रस्त हैं और परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए एकदम कोई भी सपोर्ट समर्थन सरकार की तरफ से नहीं आया है। और चाहे नोटबंदी हो, चाहे उसके बाद GST हो, और उसके बाद जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ, सबसे बड़ा प्रभाव इन्हीं व्यापारियों पे हुआ है। तो चाहे छोटे दुकानदार हो, छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, बहुत ही ज़्यादा असुविधा हुई, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत दुख की बात है कि इनके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिली। और इस बजट में जो 2-3 दिन पहले आई, उसमें भी आपने देखा होगा कि जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, उनके लिए तमाम योजनाएं, तमाम समर्थन और हर चीज़ लिखी गई, लेकिन इन छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं लिखा गया, गरीबों के लिए कुछ नहीं लिखा गया। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक खास मदद हम छोटे व्यापारियों की करें। इसमें मुख्य बिंदु ये है कि जो पारंपरिक क्लस्टर्स होते थे, जैसे मुरादाबाद में पीतल का क्लस्टर, कानपुर में लेदर, इनको हम और मजबूत बनाएं। और इसमें नौजवानों को, अगर नौजवान अपना छोटा व्यापार शुरू करना चाहता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, एक यूनिट खड़ा करना चाहता है, उसके लिए हमने भर्ती विधान में ऑलरेडी बोला था कि हम किस तरह की सुविधाएं देंगे। जैसे उनको लोन मिलेगा 1% ब्याज पे, और किस तरह से हम उन क्लस्टर्स को डेवलप करेंगे ताकि उन क्लस्टर्स में जितनी भी सुविधाएं हैं इंडस्ट्री के लिए वो मिले और पूरी तरह से इन छोटे व्यापारियों की मदद हो। श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए हमने ये प्रपोजल दिया है कि आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण कई चरणों में किया जाएगा, सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा। तो ये हमारे इस उन्नति विधान में है कि हम आउटसोर्सिंग बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आस्ते आस्ते, एक एक करके, कुछ चरणों में जितने भी आउटसोर्स्ड हैं और अभी संविदा कर्मी हैं उनका नियमितीकरण हो। नियमितीकरण से उनका जो मानदेय है वो सम्मानजनक बन जाएगा और अन्य सुविधाएं अन्य सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। रसोईया का जो मानदेय है उसको हम 5,000 रुपये तक प्रतिमाह बढ़ाना चाहते हैं। जहां तक भूमि अधिकार दिया जाएगा, झुग्गी वाली जमीन आपके नाम की जाएगी और मध्यम वर्ग को किफायती आवास के लिए भूमि को और आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण दो जो मुख्य बिंदु हैं, हालांकि इसमें शहरी विकास, ग्रामीण विकास, मिडिल क्लास के लिए और बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन मैं ज्यादा समय अभी नहीं लेना चाहती। जो मुख्य बिंदु है ग्रामीण विकास में, ग्राम प्रधान का वेतन हम 6,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना चाहते हैं और चौकीदारों का वेतन 5,000 रुपये प्रति माह तक। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बजट में 5% बढ़ाना चाहते हैं, कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं को 50,00,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। शिक्षा में, स्कूल फीस में जो बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है उस पर नियंत्रण किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर इंटरनेट व अन्य सुविधाओं से युक्त सार्वजनिक पुस्तकालय बनाए जाएंगे। शिक्षकों के खाली कुल 2,00,000 पदों को भरा जाएगा। एडहॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्र को, ये प्लीज ध्यान से सुनिए, एडहॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का अनुभव व सेवा अनुसार नियमितीकरण किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिमांड था
और शिक्षा मित्रों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। मैं बहुत सारी महिलाओं से मिली, बहुत सारी शिक्षा मित्रों से मिली, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़े, कि उनका नियमितीकरण किया जाए। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हमने आपकी आवाज़ सुनी और अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम आपके लिए करके दिखाएंगे। संस्कृत और उर्दू शिक्षकों के खाली पद जो हैं वो भी भरे जाएंगे। सामाजिक न्याय के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। अति पिछड़ों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का सब कोटा बनाया जाएगा। निषादों को नदियों से संसाधनों पर अधिकार मिलेगा। अति पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्ति, हॉस्टल्स जैसे लक्षित कार्यक्रम इस उन्नति विधान में हैं। कारीगरों व बुनकरों के लिए विधान परिषद में एक आरक्षित सीट। मैं तो चाहती हूँ कि आप मीडिया के लिए भी एक आरक्षित सीट होनी चाहिए इसमें। कोल समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह का पेंशन। मैं झांसी गई थी उस समय मुझसे कुछ लोग मिले थे और उन्होंने मुझे कहा था कि उनका पेंशन बहुत ही कम है, कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना चाहिए। तो उनकी बात सुनते हुए मैंने सबसे बात की, चर्चा की और ये हमने तय किया कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और हम इसको करेंगे। तो मैं आपको ख़ास बताना चाहती हूँ जो मुझसे मिले थे कि ये आपकी मांग हमने इस घोषणा पत्र में डाली है। महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग की अनुमति। बहुत सारे सारी महिला पुलिस कर्मियों से मैं इत्तेफाक से मिली हूँ। कुछ कई लोगों ने मुझे हिरासत में लिया, उस समय बातचीत करने की का मौका मिला और पता चला कि किसी का घर नोएडा में है पोस्टिंग। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कहा गया सरकार बनी तो 10 लाख तक इलाज मुफ्त देंगे, ये प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं। बकाया बिजली बिल आधा माफ किया जाएगा, ये प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कहा गया है। 20 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। हर एक पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा यानी कांग्रेस की महासचिव सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये तमाम बातें जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। बकाया बिजली बिल आधा माफ कर दिया जाएगा, यानी पूरा फोकस युवाओं से लेकर किसानों तक है। और प्रियंका गांधी वाड्रा यही बताने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले आपने देखा कि बीजेपी या कोई या फिर समाजवादी पार्टी हो, घोषणा पत्र के जरिए तमाम दावे वादे किए गए हैं और इसी तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा भी ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप चुनाव करिए तो सिर्फ कांग्रेस का करिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में कांग्रेस जिन वादों को कर रही है उसका पूरा करने का काम करेगी। और उन्हीं में से कुछ अहम पॉइंट है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ये कहा गया है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा 10 दिनों के भीतर ही। फिलहाल जानकारी आपके सामने।